सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा या तमाम सारे सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य भूगोल का एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। वास्तव में देखा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक सटीक सारगर्भित कॉन्सेप्चुअल और एक आधारभूत तैयारी का, एक सशक्त और गहन तैयारी का कमी बहुत है, चाहे वो किताबों के क्षेत्र में हो, चाहे वो मटेरियल के क्षेत्र में हो, चाहे वो लेक्चर के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। इसी कमी को दूर करने के लिए अपने इस मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं कि पढ़ाई इस लेवल का हो ताकि बच्चों की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खर्च के आसानी से सारगर्भित हो जाए और अच्छे से हो जाए, जिसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूजन न रह जाए, तो आप इस सीरीज को पूरा ध्यान से जरूर देखें। और इसके पीछे मेरा उद्देश्य भी यही है कि आजकल विद्यार्थियों के पास, बहुत विद्यार्थी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनके सपने तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं। वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन उनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हैं, संसाधन नहीं है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बड़े से बड़े कोचिंगों में पढ़ने के बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते तो हैं अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो, पैसा धन धान भी है, लेकिन हो नहीं पाता है, अच्छी तैयारी का उनको आधार नहीं मिल पाता है। इन्हीं सभी कमियों को लेकर आज ज्योग्राफी का सीरीज शुरू किया हूं, साइंस का सीरीज करूंगा, इकोनॉमिक्स का सीरीज शुरू करूंगा, सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, सबका मैं आपको विस्तार से कॉन्सेप्चुअल तैयारी करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने पूरी श्रद्धा और लगन दिखाया तब, क्योंकि मेहनत तभी हो सकता है जब आप लोग पूरा मनोयोग के साथ आप चाहत दिखाएं, क्योंकि इससे हम लोग को प्रेरणा मिलता है, कि भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कोई पढ़ रहा है, किसी का महत्व, कोई आगे बढ़ रहा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इस तरह से हम पढ़ाते रहेंगे, कोई देखेगा नहीं, समझेगा ही नहीं, तो हम लोग का मेहनत भी बेकार हो जाता। अगर आप लोगों के तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग मिला तो आप लोग खुद बताएंगे कि तैयारी आप लोगों की कितनी हुई। मैं इतना सशक्त लेक्चर देने का प्रयत्न करूंगा। आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करते हैं और ज्योग्राफी को मैं बेसिक से बताऊंगा, इसीलिए मेरा आज का जो चैप्टर है भूगोल एक परिचय है, भूगोल एक इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, ज्योग्राफी को पहले समझा क्या जाता था, ज्योग्राफी के एक अध्ययन शास्त्र के विकास में किन किन लोगों का योगदान है, कितना भारतीयों का योगदान है, कितना यूनानियों का योगदान है, कितना रोमनों का अनुमान है योगदान है, इन तमाम चीजों का अध्ययन आज के हम लोग इसको लेक्चर में पढ़ेंगे। भूगोल एक परिचय, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन, आज हम लोग इसी को देखेंगे। और यही आपके भूगोल की तैयारी को, सामान्य के भूगोल की तैयारी को, मैं तो ये भी कहता हूं कि जो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल लिए उनके लिए भी बेसिक तैयारी यहीं से शुरू होगी।
तो आइए हम लोग भूगोल का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, एक एक चैप्टर को लेकर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे आप लाइव क्लास में वो ऑफलाइन क्लास ले रहे, आपको ऐसा भी दिखे लगेगा, ठीक है। भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, भू प्लस गोल, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल, अर्थात गोल पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। लेकिन आज भूगोल क्या गोल पृथ्वी का वर्णन करता है, भूगोल तो समस्त पृथ्वी का वर्णन तो करता ही करता है, अंतरिक्ष का भी वर्णन करता है, अपितु समस्त ब्रह्मांड का भी वर्णन करता है। ये कैसे होगा, ये कैसे माना जाएगा कि भूगोल शब्द केवल पृथ्वी का अध्ययन करता है। अर्थात जिस समय भूगोल शब्द का पहली बार खोज हुआ या पहली बार प्रयोग हुआ, तो हो सकता है लोगों का ज्ञान केवल पृथ्वी तक ही सीमित हो, बाद में खोज होते चले गए और ब्रह्मांड तक भी हम लोग जान गए, तो तय हो गया उस समय लोगों ने दे दिया भू प्लस गोल, यानी भू प्लस माने पृथ्वी, गोल माने गोल, गोल पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता, भूगोल कहलाता है। किंतु वर्तमान में भूगोल केवल गोल पृथ्वी का वर्णन ही नहीं करता है, अपितु क्या करता है, ब्रह्मांड के समस्त अंगों का, समस्त ब्रह्मांड का भौगोलिक अध्ययन करता है। अर्थात समस्त ब्रह्मांड का भौगोलिक अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, समस्त ब्रह्मांड का भौगोलिक अध्ययन। अच्छा, अब यह देखा जाए कि जागरफी शब्द क्या कह रहा है, जियोग्राफी भूगोल के लिए जो इंग्लिश का शब्द है वो जियोग्राफी है। अब जियोग्राफी शब्द का हिंदी जो संधि विच्छेद होगा वो जियो प्लस ग्रैफो, जियो प्लस ग्रैफो, जियो माने पृथ्वी होता है, ग्रैफो माने वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन, यहां भी वही शब्द आ गया। जैसे भूगोल शब्द यह कह रहा था भू प्लस गोल, यानी भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल, गोल पृथ्वी का वर्णन, परोक्ष रूप में पृथ्वी का वर्णन, जियोग्राफी शब्द भी यही कर रहा है, जियो माने पृथ्वी, ग्रैफो माने वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, अर्थात ज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी का वर्णन करे वो भूगोल कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। अब यहां यह बात समझने वाली है कि दोनों, चाहे वो हिंदी का शब्द हो चाहे वो इंग्लिश का शब्द हो, दोनों केवल यही बता रहे हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। अब ऐसा हुआ क्यों, देखिए ज्ञान का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है। यह उस समय की बात है जब लोगों का ज्ञान केवल पृथ्वी से सीमित था। अरे लोग तो ऐसे थे जो पृथ्वी को तस्तरी के समान चपटा मानते थे और उधर जाने पे गिर जाते, सोच रहे थे कि उधर हम जाएंगे तो गिर जाएंगे पानी। पृथ्वी पे ज्ञान का विकास सनय सनय हुआ, बहुत धीरे धीरे हुआ। हो सकता है भूगोल और जियोग्राफी शब्द का उस समय नामकरण हुआ हो जब लोगों का ज्ञान केवल पृथ्वी तक हो, शायद इसीलिए उन्होंने भौगोलिक अध्ययन को भूगोल कहा हिंदी में और अंग्रेजी में उसको जियोग्राफी कहा। दोनों का जो शब्दार्थ है वो पृथ्वी का वर्णन ही है, पृथ्वी का अध्ययन ही है। ये रहा भूगोल का, लेकिन आज अगर भूगोल को परिभाषित किया जाए एक शब्दों में तो हो जाएगा समस्त ब्रह्मांड का भौगोलिक अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। परिभाषाएं बहुत हैं, उन पचड़ों में हम लोग को नहीं पढ़ना है। जितने लेखक हैं, जितने थिंकर हैं, जितने दार्शनिक हैं, सब लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी, वो सब परिभाषा नहीं। समस्त ब्रह्मांड का भौगोलिक अध्ययन करने वाला शास्त्र भूगोल कहलाता है। कोई वस्तु कहां है भूगोल है, कोई घटना कब घटी वो इतिहास है, ऐसे समझिए। कॉन्सेप्ट बनाना है हम लोगों को, हम लोगों को जबरदस्ती तथ्यों के पचड़े में नहीं फंसना है, क्योंकि यदि आईएएस की परीक्षा तथ्यों से निकलता तो कोई भी धनी व्यक्ति अपने बच्चे को हजारों किताब खरीद के तथ्य रटवा देता और हर घर में कलेक्टर हो जाते। आईएएस की परीक्षा या सिविल सेवा की परीक्षा तथ्यों से नहीं निकलता है, तथ्यों के समझ से निकलता है, कॉन्सेप्ट से निकलता है,
अवधारणाओं की समझ से निकलता है। और अपने प्रत्येक लेक्चर में मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको थोड़ा ही बताऊं लेकिन कॉन्सेप्चुअल बनाऊं, आपकी समझ विकसित करूं, और वही मैं कर भी रहा हूं। अब प्रश्न यह उठता है कि भूगोल और भौगोलिक ज्ञान का विकास कैसे हुआ। देखिए, यह बात एक निश्चित सत्य है कि दुनिया में सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान का जो विकास हुआ, भौगोलिक ज्ञान का यानी कोई वस्तु कहां है, दुनिया में भौगोलिक ज्ञान का जो सबसे पहला विकास हुआ वो भारत में हुआ। लेकिन यह भी एक अटल सत्य है कि भूगोल को विकसित करने में, भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने में, भौगोलिक शब्दों के नामकरण में सबसे बड़ा योगदान यूनानियों का है। जहां भौगोलिक ज्ञान का प्रारंभ भारत में हुआ, वहीं भूगोल का एक शास्त्र के रूप में स्थापना कहां हुआ, यूनान में। तो दोनों का योगदान है, ऐसा नहीं है। इसीलिए देखिए, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र में जो बाद में ज्योतिष शास्त्र हुआ, उसमें भी दोनों का योगदान है। तो भूगोल शुरू तो भारत में हुआ, प्रारंभ भौगोलिक ज्ञान का भारत में हुआ। अभी आगे मैं बताऊंगा, जहां जहां है वहां बताऊंगा आपको। लेकिन उसको एक अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, यूनानियों को जाता है। क्षेत्रीय आधार पर भूगोल का सबसे पहले एक शास्त्र के रूप में अगर विकास किया तो वो हिकैटियास ने किया। यूनानी विद्वान हिकैटियास ने प्रादेशिक भूगोल का सबसे पहला वर्णन किया। यही कारण है, यानी भूगोल को एक प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में, क्षेत्रीय भूगोल के रूप में सबसे पहले, यानी क्षेत्र के आधार पर ये यहां है, पहली बार इसका वर्णन करने वाले कौन थे, प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हिकैटियस। यही कारण है हिकैटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ये वो समय था जब अध्ययन का प्रत्येक शास्त्र आपस में मिक्स था। गणितज्ञ भौतिक विज्ञान में भी सिद्धांत देता था, यहां तक कि वो जूलॉजी में भी दे देता था। अरस्तु, ज्ञान का हर क्षेत्र जो है, अरस्तु ने अपने विचार दिए। अब अरस्तु को क्या माना जाए, वो एक जगह तो दर्शन शास्त्री बन जाते हैं, फिलॉसफर, फिर वनस्पति शास्त्री भी बन जाते हैं, जीव विज्ञान के वो संस्थापक भी बन जाते हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना शास्त्र दिया। लेकिन पहली बार प्रादेशिक भूगोल का वर्णन करने वाले हिकैटियस थे, इसीलिए हिकैटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोट्स, प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हेरोडोट्स, जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने पूरी दुनिया को पहली बार 3 महाद्वीपों में बांटा। ये दुनिया में पृथ्वी को महाद्वीपों में बांटने की पहली घटना थी। यूरोप, एशिया और लीबिया, यहां अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाएगा, भले एक देश है लेकिन उनका सेंस अफ्रीका महाद्वीप के रूप में होगा। दुनिया में पृथ्वी को महाद्वीपों में विभाजित करने की यह पहली घटना थी। हेरोडोट्स ने दुनिया को 3 भागों में बांटा, पहला यूरोप, दूसरा एशिया और तीसरा लीबिया, जिसको आप अफ्रीका महाद्वीप कह सकते हैं। यह पहली घटना थी। मैंने बताया ना, ये भौगोलिक ज्ञान का प्रारंभ भारत में तो हुआ, लेकिन भूगोल को एक शास्त्र के रूप में विकसित और संगठित करने का काम यूनानियों ने किया, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लेटो ने कहा पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। हालांकि यूनानी विद्वान पहले जो है तस्तरी के समान मानते थे, चपटा मानते थे। प्लेटो ने गोलाकार कहा, लेकिन अरस्तु ने उसको सिद्ध करके दिखाया। इसीलिए बार बार एग्जाम में पूछता है कि किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार कहा, तो उसका उत्तर अरस्तु होगा। प्लेटो ने तो कहा पृथ्वी गोलाकार है,
लेकिन अरस्तु ने उसको सिद्ध करके दिखाया, अरस्तु ने उसको सिद्ध करके दिखा दिया। तो इसलिए माना जाता है कि अरस्तु ही पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार कहे थे। लेकिन सबसे पहले भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो तो इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज जो है, इरेटोस्थनीज सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है, यानी भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द कहने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे वो कौन थे? इरेटोस्थनीज। अब वो समय आ गया जब भूगोल जैसे शास्त्र को जियोग्राफी कहा जाने लगा, और जियोग्राफी सबसे पहले कहा था इरेटोस्थनीज ने। यूनानियों के बाद रोमनों ने इस मुद्दा को उठाया भूगोल के विकास में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है टॉलमी का। टॉलमी रोमन प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता थे, यूनानी भी कहा जाता है, हालांकि मिस्र में माना जाता है उत्पत्ति, बहुत सारी विशेषता, लेकिन यूनानी रोमन विद्वान के रूप में आप टॉलमी को जान सकते हैं। टॉलमी ने जियोग्राफिया नामक बुक का भी लेखन किया, और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि अपने इस जियोग्राफिया में उन्होंने संसार का मानचित्र बनाया। टॉलमी ने अपने ग्रंथ जियोग्राफिया में पूरे संसार का पहली बार मानचित्र भी बनाया, और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस मानचित्र में अक्षांश और देशांतर का पहली बार रेखांकन किया गया, इसी टॉलमी ने किया। ये दुनिया में मानचित्र में अक्षांश और देशांतर का पहली बार किया गया रेखांकन था। किसने किया? टॉलमी ने, प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता टॉलमी ने। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि टॉलमी ने अपने मैप में बंगाल की खाड़ी को भी दिखाया, गंगा और उसकी सहायक नदियों को भी दिखाया। उससे भी ज्यादा आपको आश्चर्य होगा कि टॉलमी ने अपने नक्शे में बहुत सारे रिक्त स्थानों को छोड़ा, और टॉलमी द्वारा छोड़े गए यह रिक्त स्थान, अनजान स्थान, 14वीं 15वीं शताब्दी के साहसिक नाविकों को प्रेरित किया कि वो उन स्थानों का खोज करें। दुनिया में आधुनिकता के प्रारंभ का सबसे बड़ा आधार भौगोलिक खोजे ही रहा। टॉलमी द्वारा जो ये रिक्त स्थान छोड़ा गया अपने मैप में, वो उन साहसी नाविकों को, चाहे वो स्पेन के हो चाहे वो पुर्तगाल के हो, इन साहसी नाविकों को प्रेरित किया कि भैया आप खोजो कि कौन कौन से और जगह इस दुनिया में हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, ये वही टॉलमी हैं जिन्होंने एक संभावना व्यक्त की कि हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, और 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने इसको सिद्ध कर दिया जब उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज किया। यानी टॉलमी का तो भौगोलिक ज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो गया। टॉलमी का अपनी किताब में जियोग्राफिया में इन सारे मानचित्रों का जो रेखांकन था वो निश्चित ही दुनिया के भौगोलिक ज्ञान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्वों के लिए स्थान रिक्त छोड़े थे और बाद में उन तत्वों का खोज हुआ, यानी मेंडलीफ द्वारा अपनी आवर्त सारणी में स्थानों को रिक्त छोड़ना वैज्ञानिकों को इस बात की प्रेरणा दे रहा था कि इस परमाणु क्रमांक के अभी तत्व हैं और उनको खोजा जाना चाहिए, खोजा भी गया। सेम यही वर्क भूगोल में टॉलमी ने किया, जो अपने मानचित्र में रिक्त स्थानों को छोड़ा और दुनिया के साहसी नाविकों को प्रेरित किया कि इन स्थानों को ढूंढा जाए, और ढूंढा भी गया।
ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और मैं आपको बताऊं कि भूगोल की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई यहीं से शुरू करिए। आप दुनिया के किसी किताब को पढ़िए, पढ़ाई का बेस यहीं से शुरू किए, कैसे भूगोल का विकास हुआ। इसीलिए मैं इस चैप्टर को पहले शुरू कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं इसको? मैं जान रहा हूं कि बच्चे छोड़ देते, महाद्वीप से सीधे सीधे ब्रह्मांड से पढ़ना प्रारंभ करते। जिन चीजों को मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैंने ये सोचा कि कॉन्सेप्ट से ही शुरू किया जाए। मैं 20 से क्यों चलूं? कुछ मैं लाइक सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाना है, कोई यूट्यूबर थोड़ा हूं। मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम अगर जो पढ़ना चाहता है सच्चाई से, उसके पढ़ाई में कॉन्सेप्ट के क्षेत्र में कोई बाधा ना आए, ये मेरा उद्देश्य है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो करके दिखा दूंगा ये बात, जितना मेरी संभावना होगी मैं उसको पूरा करूंगा। तो आपने देखा कि कैसे सामान्य शब्द से चलकर, सामान्य ज्ञान से चलकर हम कहां तक पहुंच गए, मैप तक, और जियोग्राफी शब्द का प्रयोग हुआ और जियोग्राफिया शब्द का, जियोग्राफिया किताब में टॉलमी ने जिन जिन चीजों का अंकन किया वो बाद में सत्य भी साबित हुआ। यह तो भौगोलिक ज्ञान का विकास जो है यूनानियों और रोमनों ने किया। तो क्या भारत ने क्या किया? क्या भूगोल के विकास में भारत का योगदान ही नहीं है? यह गलत है। हम भारतीयों का योगदान तो उस समय से भूगोल के विकास में है जब दुनिया अंधकार में जी रही थी। ईसा के 3000 वर्ष पहले हम भारतीयों को नक्षत्रों का ज्ञान था, नक्षत्रों का, कॉन्स्टिलेशंस का ज्ञान था। 3000 वर्ष पहले, ईसा के बात कर रहा हूं। आप ऋग्वेद में जो दुनिया की सबसे पहली लिखित ग्रंथ मानी जाती है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें नक्षत्र पुंजों का वर्णन है, कॉन्स्टिलेशंस का वर्णन है, नक्षत्र पुंजों का। उस जमाने में नक्षत्र पुंजों यानी तारों के समूह का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। बिना भौगोलिक ज्ञान के हुआ है क्या? पुराणों में जो भूगोल का अलग चैप्टर है उसको जानते हैं क्या कहा गया? भुवन कोश। क्या कहा गया? भुवन कोश। यानी भूगोल के लिए पुराणों में भुवन कोश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या भूगोल का ज्ञान नहीं था क्या? भूगोल का ज्ञान था तभी तो पुराणों में। और आपको जो अब बताने जा रहा हूं वो आपके लिए और ज्यादा आश्चर्य करने वाला होगा। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में दुनिया के 7 महाभूखंडों का नाम दिया गया है। और आश्चर्य की बात तो यह भी है कि वही 7 भूखंड जिसकी कल्पना पुराणों में की गई, 7 महाभूखंड, भूखंड नहीं महाभूखंड, निश्चय ही वो दुनिया के आज 7 महाद्वीप हैं। अब ये तो नहीं क्लियर हो पाया कि वो 7 भूखंड कहां कहां है, ये नहीं बता पाया गया। ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो 7 भूखंड कौन कौन है, लेकिन 7 भूखंड की कल्पना तो की गई ना। जम्बू, प्लाक्ष, कुश, शक, सालमल, क्रौंज और पुष्कर, इन 7 महाभूखंडों का वर्णन पुराणों में है। और आज 7 महाद्वीप भी हैं, जो कल्पना उन लोगों ने की होगी आज वो सत्य भी हुआ। अर्थशास्त्र में राजनीतिक भूगोल का वर्णन किया गया है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजनीतिक भूगोल के लिखा है, ठीक है ना। आर्यभट्ट जो गुप्त काल के महान गणितविद, गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने उस जमाने ने पृथ्वी की परिधि को नापा 24,835 मील, 24,835 मील। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि आर्यभट्ट ने गुप्त काल में पृथ्वी के जिस परिधि को 24,835 मील बनाया, वो आज के वैज्ञानिकों द्वारा नापे गए 24,901 मील के लगभग बराबर है। कैसे कहा जाए कि हम भारतीयों का योगदान ज्ञान की किस विधा के क्षेत्र में नहीं है? ज्ञान की ऐसी कौन सी विधा है
जहां हम भारतीयों ने मानक स्थापित नहीं किया है। उस जमाने में बताइए कुछ था ही नहीं, ज्ञान का कोई आधार नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई आधुनिक यंत्र नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी का परिधि नापा, वो परिधि देखिए आज के लगभग लगभग बराबर है। और इस प्रकार से दुनिया में भौगोलिक ज्ञान का विकास होता चला गया और आधुनिक अध्ययन शास्त्र के रूप में आज भूगोल दिख रहा है। तो मेरा यह मानना था कि भूगोल का कैसे विकास हुआ है, कैसे ये कैसे नामकरण हुआ, कैसे किन किन लोगों ने योगदान दिया, ये सारा चीज आज मेरा बताने का उद्देश्य था और मैंने आज बता दिया। अगले चैप्टर में मैं आपको ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा विस्तार से, पूरे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। हर दिन एक एक चैप्टर के लिए आप आइए पढ़िए, जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं। आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा, आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।